तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम 10वीं और 12वीं क्लास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि आपके 10वीं और 12वीं कक्षा के जो एग्ज़ाम थे वो पोस्टपोन हुए थे, ठीक है जी। और उससे रिगार्डिंग अभी तक वेबसाइट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन और अपडेट नहीं आया। तो दोस्तों जो मेरे भाई लोग थे वो मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमको ये बताइए वेबसाइट पर अपडेट कब तक आएगा ऑफिशियल तौर से। तो दोस्तों क्योंकि अभी तक कोई भी वेबसाइट पर ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, तो इससे रिगार्डिंग मैंने जो बोर्ड के अधिकारी होते हैं सहायक सेक्रेटर, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की है और मैंने उनसे यही पूछा है, ठीक है जी। मैं आपको चैट भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब ये जो मैं चैट दिखाऊंगा, अब आप कहोगे कि हम कैसे यकीन करें कि ये बोर्ड के अधिकारी हैं, ठीक है जी। जिनको यकीन नहीं है वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों एज अ प्रूफ मैं आपको एक ये भी बता सकता हूँ कि जो नंबर, अगर आपको भी बात करनी है बोर्ड के अधिकारी से, तो आपने करना क्या है, जो अपनी डेट शीट खोलो कोई भी, ठीक है जी। 10वीं और 12वीं वाले जब आप नीचे आओगे तो उधर हर बोर्ड के अधिकारी का नंबर दिया होता है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सुपरिटेंडेंट, हर बोर्ड अधिकारी का नंबर दिया होता है। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। आप सिर्फ मोबाइल नंबर पे कॉन्टैक्ट करना, टेलीफोन नंबर वाले पे मत करना, क्योंकि जो दफ्तर है भाई वो क्लोज है, तो इसलिए कोई भी कॉल रिसीव नहीं करेगा। तो दोस्तों अब मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने क्या बात की है, ठीक है जी। तो दोस्तों अगर तुमने भी इसी तरह करना ही था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही कर देता हूँ, इससे आप सबको देख पाओगे। दोस्तों ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कहा था मैम पीएसबी के रिलेटेड जो वेबसाइट पे वो कब तक अपडेट आ सकती है, यही क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आफ्टर लॉकडाउन ही आपका कोई अपडेट आएगा, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने पूछा मैम वन लास्ट क्वेश्चन कि जो 10वीं वाले हैं उनको प्री बोर्ड के आधार पे पास किया जाएगा, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है। उन्होंने कहा नहीं। और फिर मैंने पूछा तीसरा क्वेश्चन, यस मैम जो एग्ज़ाम है वो लेट होंगे पर होंगे ज़रूर, ठीक है जी। तो उन्होंने भी कहा हाँ जी, ठीक है जी। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बारी बता देता हूँ। देखो मैंने सबसे पहले पूछा कि जो मैम फाइनल अपडेट जो वेबसाइट पे कब तक आएगा, उन्होंने कहा आफ्टर लॉकडाउन, यानी कि 17 मई के बाद ही आपका जो अपडेट आएगा वेबसाइट पे आपके एग्ज़ाम के बारे। फिर मैंने पूछा मैम से कि जो 10वीं वालों को प्री बोर्ड के आधार पे जो पास किया जा रहा है, करना है, वो किया जा सकता है। उन्होंने कहा नहीं, ठीक है जी। मैं पूछा मैंने कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि किया जाएगा, उन्होंने कहा नहीं, इस पर अभी डिसीजन आना बाकी है, ठीक है जी। फाइनल अभी डिसीजन नहीं आया कि करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है जी। अभी मतलब इस पे राय विचार चल रहा है, तो अभी यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, पर जो मैम है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया मेरे को नहीं, ठीक है जी। क्योंकि अभी 50-50% चांस है कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, ठीक है जी। तो दोस्तों अभी वेट करिए, 10th वालों को जो प्री बोर्ड के आधार पर पास किया जाना है वो अभी डिसीजन आना बाकी है, ठीक है जी। तो तीसरा भी फिर मैंने पूछा कि मैम जो एग्ज़ाम है वो लेट हों पर होंगे ज़रूर, ठीक है, मतलब लेट तो हो जाएंगे पर एग्ज़ाम आपके होंगे ही होंगे चाहे लेट हो, ठीक है जी। ये बात भी उन्होंने कहा कि हाँ लेट हो पर एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे। तो ये बात तीन मैंने क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है जी, बोर्ड के अधिकारी से। तो जो ऑल ओवर गाल है दोस्तों ये यही है कि आपके जो एग्ज़ाम के बारे जो अपडेट है वो 17 मई के बाद ही आएगा, ठीक है जी, लॉकडाउन के बाद। तो दोस्तों ये अपडेट थी। तो दोस्तों अगर कुछ भी पूछना है, फेसबुक आईडी मेरी और इंस्टाग्राम आईडी जो है लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। दोस्तों चलो ठीक है जी, बाय बाय।